अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रेंसिक केमिस्ट्री में एडवांसेस इन 19th century पढ़ेंगे। इससे पहले ऊपर दिए गए आई बटन पे जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें फोरेंसिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन और सर ऑथर कैनन डॉयल की हिस्ट्री बताई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी के वस्त में फोरेंसिक केमिस्ट्री में बड़ी ही तेज़ी से तरक्की हुई। इस दौरान ब्लड को एनालाइज करने के लिए जो टेस्ट डेवलप हुए, उनमें से मार्श टेस्ट, जो कि आर्सेनिक के डिटेक्शन के लिए डेवलप हुआ, ये 1832 में डेवलप हुआ। इसके बाद 1880 में बुलेट फिंगर प्रिंटिंग पर काम हुआ। 1863 में एक जर्मन स्विस केमिस्ट फ्रेडरिक शॉनबीन ने ह्यूमन ब्लड की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक रिलायबल मेथड डिस्कवर किया। शॉनबीन ने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्लड स्टेन में डाला तो वो झाग बन गया। ये टेस्ट क्लॉथ्स, वुड, ग्लास एंड अदर सर्फेसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो सर्फेसिस जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे और वो आसानी से किसी भी दूसरे धब्बे से के साथ कंफ्यूज हो सकते थे। एट द सेम टाइम एक डच केमिस्ट आइजक वान डीन, डच उन लोगों को कहते हैं जो कि नेदरलैंड में रहते हैं, आइजक ने ब्लड में वेस्ट इंडियन हर्ब डाली जिसे ग्वार्क कहते हैं। इसी बिना पर इसे ग्वार्क टेस्ट भी कहा गया, जो कि फीसिस में मौजूद ऑकल्ट ब्लड, ऐसा ब्लड जो आम आंख से दिखाई नहीं देता था, को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया। 12 सदियों तक आर्सेनिक एक पॉपुलर पॉइजन के तौर पर बहुत इन रहा। इसकी पॉपुलैरिटी तब शुरू हुई जब अरब के एक मशहूर अल्केमिस्ट अबू मूसा जाबिर बिन हियान ने ग्रे आर्सेनिक को टेस्टलेस पाउडर में कन्वर्ट किया। उन्होंने आर्सेनिक को उसके एक ऑक्साइड की फॉर्म में बनाया जिसे आर्सेनिक ऑक्साइड कहा जाता है, और आर्सेनिक आसानी से किसी भी आदमी के खाने और पीने में डाला जा सकता था बगैर किसी के शक के कटहरे में आते हुए। 19वीं सदी तक आर्सेनिक को डिटेक्ट करने के लिए कोई ख़ास तरीका ना था। ये पॉइजन आम आदमी से लेकर बादशाह, मलका और दरबारियों को दिया जाता रहा। एक बदनाम नोटोरियस बोर्जिया फैमिली जो अपने हर दुश्मन को ख़त्म करने के लिए इस पॉइजन को यूज़ करती थी। अब साइंटिस्ट के पास एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थी, क्योंकि इंसाफ करना लाजिम था और बहुत से मुलजिमों की शिनाख्त नहीं हो पाती थी। बहुत से फोरेंसिक साइंटिस्ट ने, जिनमें से मैथ्यू जोसेफ बोनावेंचर ओरिफिला, जिन्हें फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी कहा जाता है, और इन्हीं के साथ कार्ल विल्हम शेले, जिन्होंने ऑक्सीजन दरियाफ्त की, ने इस मसले का हल तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहले एक ब्रिटिश केमिस्ट जेम्स मार्श ने इसका हल तलाश किया। सन 1832 में मार्श एज अ केमिस्ट उनको एक जॉब मिली। उन्हीं के एक कॉलीग जॉर्ज बॉडल को पॉइजन देने के इल्ज़ाम में उनसे कुछ पूछताछ की गई। उन्होंने अदालत के सामने आर्सेनिक को डिटेक्ट करने के लिए एक रिवायती ट्रेडिशनल टेस्ट यूज़ किया। उन्होंने लाश के जिस्मानी फ्लूइड के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवाया। सॉल्यूशन का येलो हो जाना इस बात का सबूत था कि बॉडी में आर्सेनिक मौजूद है। डिफेंडेंट बेगुनाह साबित हुआ, लेकिन एक ऑब्जर्वर के मुताबिक मार्श टेस्ट जो था वो सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ग्रे और सैनिक को नहीं देखा था। अब मार्श गुस्से से आग बगोला हो गए। ना सिर्फ अदालत के फैसले से, बल्कि डिफेंडेंट ने भी किसी प्रेशर में आकर इल्ज़ाम कबूल कर लिया कि उसी ने बॉडल को जहर दिया। मार्श ने एक फूल प्रूफ मेथड
डिवेलप किया जो कि डब्बियस ऑब्जर्वर को भी समझ में आ सकता था। उसे ये करते हुए 4 साल लग गए लेकिन वो कामयाब हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।